एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर पैशन। आज का वीडियो खासकर मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाया है। इसमें मैं अपने गांव के पुश्तैनी मकान जो कि दादाजी ने बनाया हुआ था उसको उस पर बनाया है वीडियो। ये देखिए, ये मेरा पुश्तैनी मकान है जहाँ के अब कोई नहीं रहता है। ये काफ़ी पुराना, कम से कम 100 साल तो हो ही गए होंगे इसको बने हुए। ये दादाजी ने हमारे बनाया था। ये मेन गेट जिससे कि हम अंदर जाएंगे। ये देखिए, दरवाज़ा भी काफ़ी पुराना हो गया है। यहाँ हमारी दादी रहती थी। बचपन के दिनों में हम जब छुट्टियाँ मनाने आते थे गांव तो काफ़ी मस्ती करते थे। यहाँ पे दादी यहीं रहती थी कमरे में। देखिए, अभी कोई यहाँ नहीं रहता तो ये घर भी बहुत पुराना। ये देखिए, आंगन है ये छोटा सा जिसमें हम बच्चे खेलते थे। इधर साइड में किचन हुआ करता था, अभी तो कुछ भी नहीं है, दिख रहा है। ना रहने की वजह से काफ़ी गंदा और पुराना हो गया है। इसमें चारों तरफ छोटे छोटे रूम बने हुए थे। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। नहीं, यहाँ से नहीं। ये देखिए, ये आपने देखा, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। ये सेकंड फ्लोर है और सेकंड फ्लोर पे चारों तरफ काफ़ी कमरे थे। और चूंकि मेरे पिताजी कई भाई थे तो उन सब लोग यहाँ रहते थे। काफ़ी बड़ा परिवार है हमारा, जबकि अब सभी अलग अलग रहते हैं। सब ने अपने अपने लिए और अच्छे मकान बना लिए हैं। तो इस पुश्तैनी मकान को अभी हमने ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि अब ऐसे मकान देखने को भी नहीं मिलते हैं। ये ऊपर का है हिस्सा, छत है। एक समय था जहाँ यहाँ पे काफ़ी रौनक हुआ करती थी क्योंकि मेरे दादाजी गांव के मुखिया थे। यहाँ एक पंचायत घर भी हुआ करता था। ये देखिए, ये स्नान गृह है जो कि सबसे ऊपर छत पे बना हुआ था। यहाँ हम बच्चे बहुत खेले हैं, सभी बच्चे बहुत खेलते थे। यहाँ से हम सब बच्चे खेलते कूदते बड़े हुए हैं। यहाँ से आपको पूरा गांव दिखेगा, चारों तरफ हम देखेंगे। सब कुछ दिखाई देता था यहाँ पे खड़े होने पर। दादाजी के रहने पे बात ही कुछ और होती थी। काफ़ी रौनक हुआ करता था चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल, हरियाली। ये देखिए, ये नीचे यहाँ पे गाय वाय बांधी जाती थी, गाय घोड़ा। वापस चलते हैं हम नीचे की तरफ। यहाँ ज़्यादा देर रहना और थोड़ा रिस्क भी रहता है। अभी कोई आता नहीं है, काफ़ी पुराना हो गया है तो डर भी रहता है कुछ भी गिरने का ऐसा। तो हम धीरे से निकल जाएंगे इसी रास्ते से।
और जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ मैं आपको ले चलती हूँ, क्योंकि वहाँ भी जाना ज़रूरी है, देखना है काम कहाँ तक हुआ है। तो आइए चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि गेहूं की दवाई का काम चल ही रहा है, वहाँ जाके देखना भी है कि काम चल रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये मेन गेट है, ये पूरा घर बाहर से आपको मैं दिखा रही हूँ। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा था पहले, अभी तो बहुत पुराना हो गया है ये। ये देखिए, ये पंचायत गृह है, पंचायत भवन समझिए, यहाँ पंचायत लगती थी। आइए यहाँ पे आते हैं हम, देखिए काम यहाँ पे चालू है, काम चल रहा है। ये देखिए, ये मेरा ट्रैक्टर है और ये थ्रेसर भी है मेरा, काम चल ही रहा है, गेहूँ की दवाई हो रही है। इसी वजह से हमें आज गांव आना पड़ा और यही वजह थी कि आज ये जो वीडियो हमने बनाया है स्पेशली आप लोगों की। ये देखिए काम चल रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वो सब हमारे ही खेत हैं। मम्मी जी आई हैं, काम करवा रही हैं। ये देखिए, ये हमारा पुराना कुआं है जो कि सूख गया है, अब पानी नहीं उसमें है, लेकिन गांव की औरतें वहाँ पे उपले बनाकर सुखाती हैं। और ये देखिए, ये सब पुराने घर के टुकड़े रह गए हैं समझ लीजिए, जो कि टूट फूट गए हैं, अब खंडहर हो गए हैं। इस कुएं पे हाँ, ये तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आपको अच्छा लगता है या अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Bye-bye.